हाय, मैं शिवा गोर. ये मेरा फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है क्लार्क हाउस इनिशिएटिव में, और ये पूरा एग्जीबिशन मैं गोर बंजारा और रोमा जिप्सीज, इनके कल्चर और उनका हिस्ट्री को लेके किया है. और यहाँ पे उनके कल्चर से रिलेटेड बहुत ऑब्जेक्ट, टेक्सटाइल और उनका फ्लैग मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. एक्चुअली जो रोमा जिप्सीज है वो ओरिजिनली इंडियन है, और अभी यूरोप और अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज में वो अभी सेटल है, स्प्रेड है. तो वहाँ पे बहुत सारा उनका लाइक रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे वो लोग फेस कर रहे हैं. तो उनको उनके सोशल इश्यूज और उनके प्रॉब्लम को लेके भी मैं यहाँ पे कुछ वर्क एग्जिबिट किया है. जैसे रोमा फ्लैग जो उनके प्रोटेक्ट के लिए, रोमा इंटरनेशनल फैमिली जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे रोमा फ्लैग फर्स्ट टाइम मेरे शो में इंट्रोड्यूस किया है. और यहाँ पे मैंने कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रीएम्बल है उसको मैं मेरी खुद की जो मदर टंग है, इट्स कॉल्ड गोरमाटी लैंग्वेज और गोर बंजारा लैंग्वेज, तो उसमें मैंने ट्रांसलेट किया है. तो इस तरह से मैं मेरे कल्चर को मेरे आर्ट प्रैक्टिस के साथ जुड़ने की कोशिश किया है इस शो में. और मैंने यहाँ पे ये शो के लिए मैंने मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, मेरी मदर, मेरे डैडी, तो उनसे भी बहुत सारा हेल्प लिया है. और ये शो काफ़ी पर्सनल है, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑब्जेक्ट के साथ. क्योंकि मैं भी वो खुद एक कम्युनिटी का पार्ट हूँ, बंजारा कम्युनिटी का पार्ट हूँ. मैं वो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ. तो जहाँ पे बंजारेज रहते हैं वो प्लेस को तांडा बोलते हैं. तो ये पूरे शो का कंसेप्ट भी तांडा ही था. तो उनका लिविंग स्टाइल, उनका कल्चर, उनका हिस्ट्री, तो ये सब मुझे ये शो के जरिए इंट्रोड्यूस करना था मेरे प्रैक्टिस को लेके. तो यहाँ पे मैंने मेरे मम्मीज के कुछ ज्वेलरीज वो भी मेरे आर्ट प्रैक्टिस में लाया है. मेरे डैडी के जो एक्चुअल जूते हैं वो गैलरी स्पेस में रिप्रेजेंट किए हैं. इस तरह से मैं जो बंजारा कल्चर है, जो जिप्सी कल्चर है, उसको मेरे प्रैक्टिस के थ्रू एक्सप्लोर किया है. क्योंकि उनका उनका कोई नेशन या कोई रिलीजन से ऐसा बॉन्ड नहीं है जितना कि वो एक इंसान से उनका ज़्यादा बॉन्डिंग है. वो माइग्रेट होते हैं. तो ये सब इशू जो ट्रांस कम्युनल और ट्रांस नेशनल फ्लैग, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे मैंने एक नीडल रिप्रेजेंट किया है एक बड़ी साइज में, जो मैंने एल्युमिनियम में कास्ट किया है. क्योंकि जो गोर बंजारा है उनके कल्चर में नीडल को बहुत इम्पोर्टेंस है, और शादी के टाइम वो नीडल सोने और चांदी का नीडल भी देते थे. तो एक्चुअली बंजारा टेक्सटाइल, बंजारा एम्ब्रॉयडरीज जो नीडल से होता है, तो जनरेशन टू जनरेशन मदर अपने लड़की को वो टेक्सटाइल सिखाती है. तो वो जनरेशन टू जनरेशन नीडल के थ्रू उनका कल्चर प्रिजर्व होते आया है. तो इसीलिए मैं नीडल का इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखाने के लिए नीडल को बड़ी साइज में एल्युमिनियम में कास्ट किया है, और उसको थ्रेड की तरह गार्ड भी दिया है. क्योंकि वो एक थ्रेड है, कल्चरल थ्रेड है, थ्रेड है नीडल. तो इसीलिए मैंने नीडल बिकम अ थ्रेड किया है, कि जिसके थ्रू उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो पीछे से जहाँ से धागा जाता है और जो आगे का पार्ट जहाँ पे धागा से सीते हैं. तो इसीलिए वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेक्सटाइल उनका जो एथनिसिटी है वो कैरी करती है, जो पास्ट से अभी तक वो कैरी हो गया है. तो इसीलिए मैंने ये नीडल्स एक कल्चरल मीडिएटर की तरह यहाँ पे बिग साइज लाइक वेपन की तरह मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ये एक आर्ट वर्क है जो मैंने मेरे मम्मी के ओल्ड ज्वेलरीज और उनका जो फैशन है उनसे रिलेटेड, उनसे इंस्पायर होके ये काम किया है. तो ये मेरे मम्मी के ओल्ड ज्वेलरीज है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है. तो एक्चुअली जो बंजारेज होते हैं तो वो खुद अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो अपने लिए वो सब चीज़ें बनाते हैं. तो मैं भी यहाँ पे उन सब चीज़ों से इंस्पायर होके यहाँ पे मैंने एक
आर्ट आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है, जो उनके एक्चुअल मटेरियल जो वो यूज़ होते हैं यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मैंने मेरे कंपोजिशन और मेरे क्रिएशन के आइडियाज़ के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जो बंजारेस है वो हिस्टोरिकली वो ट्रेडर्स थे, साड ग्रेन ये ट्रेड करते थे, गुड्स कैरियर्स थे। तो एक्चुअली वहीं उनका हिस्ट्री उनके ही रियल ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। इसलिए मैंने यहाँ पे चार पॉट रखे हैं जिसमें नमक और ग्रेन्स ये डाले हैं कि वो ओरिजिनल मटेरियल के थ्रू उनका जो हिस्ट्री है वो लोग उनके बारे में जाने इसलिए। और ये गुनी है जो वो अपने हाथ से कुछ बनाते थे और इसके अंदर वो साल्ट और ग्रेन्स डाल के ट्रेड करते थे। तो ये उनके रिचुअल प्रैक्टिस में भी आता है, ये शादी में वो देते हैं। तो वही मैं एक्चुअल जो मटेरियल है वो अपने घर से अपने रिलेटिव से कलेक्ट करके मैं यहाँ पे उनका हिस्ट्री रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रखा है। एक्चुअली ये शो करने से पहले मैं बहुत लोगों से डिस्कस किया कि लाइक उनका बंजारा के बारे में क्या सोच है, किस तरह से वो बंजारा को देखते हैं। तो मुझे बहुत डाउट हुआ क्योंकि वो बहुत ही स्टेरियोटाइप थे और बंजारा मतलब उनको ऐसा लगता है कि लाइक स्ट्रीट पे रहने वाले लोग क्या ये सब। तो फिर लेकिन सबको ये पता नहीं कि बंजारा एक अपने आप में एक ब्यूटीफुल कल्चर है, उनके भी उनका भी बहुत ग्रेट लिटरेचर है और ये बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं वो कम्युनिटी से हूँ। तो ये शो करने का मेरा वो भी एक रीज़न था कि बंजारा को बंजारा की नज़र से कैसे आप देख सकते हो, उनका मटेरियल कैसे गैलरी स्पेस में एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि बंजारा बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं जो कि वहाँ पे आर्टिस्ट या जो भी आर्ट लवर है वो वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। सिर्फ गूगल या जो वेब पेज में जो भी मटेरियल अवेलेबल है, इमेज अवेलेबल है, तो उनको ही वो देखते हैं। तो मेरा एक इंटेंशन ये भी था कि लाइक हम हमारे कल्चर की मॉडर्निटी उसको हम प्रैक्टिस में लाए और उनको एक अपने स्ट्रेस व्यू से उस कम्युनिटी और उनका जो आर्ट है उनको देखे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे उनके जो पर्सनल मटेरियल है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे आर्ट प्रैक्टिस में लाया हूँ। जो बेसिकली मेरा प्रैक्टिस पेंटिंग से रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इंस्टॉलेशन और पेंटिंग और डिफरेंट मिक्स मीडिया इसमें रहा है। तो यही मेरा उद्देश्य था इस शो का कि लोग एक फ्रेश नज़र से, एक अलग फ्रेश पर्सपेक्टिव से शो और वो जो पर्टिकुलर गोर बंजारा कम्युनिटी है और जो रोमा जिप्सीज है उनकी तरफ देखे और उनके आर्ट और उनके कल्चर को सही ढंग से समझे।